स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। कि एक मिठाई बेचने वाला है, उसके पास क्या है, 420 काजू की बर्फी है और 130 बादाम की बर्फी है। शी वॉन्ट्स टू स्टैक दैम इन ए सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज सेम नंबर्स। देखिए करना क्या है स्टूडेंट्स, कि वो महिला है और उसे इन ये जो काजू की बर्फी और ये जो बादाम की बर्फी है उसको एक ढेर में लगाना है। या आप ये भी समझ सकते हैं कि जब आप मिठाई की दुकान में मिक्स मिठाई लेने जाते हैं तो क्या करता है जो स्वीट सेलर होता है, वो बॉक्स में दोनों तरह की मिठाई को मिक्स करके आपको देता है पैक करके। तो वही काम इस स्वीट सेलर को करना है कि वो 420 काजू की बर्फी को और 130 बादाम की बर्फी को क्या करना चाहता है, स्टैक करना चाहता है, मतलब एक जगह इकट्ठा करना चाहता है, उसका ढेर लगाना चाहता है। इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज सेम नंबर्स, और हर ढेर में या हर बॉक्स में जो मिठाइयों का नंबर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, और जो ट्रे होगा उसका क्या होना चाहिए कि बहुत मतलब लीस्ट एरिया कवर हो। आगे क्या लिखा गया है, वट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पज। कि आपको यहां पर ये बताना है कि वो कितनी मिठाई इस पर्पज के लिए, जिस पर मतलब अगर वो बेचना चाहता है या कोई मतलब कुछ भी करना चाहता है तो उसके लिए वो कितनी मिठाइयां एक बॉक्स में भरेगा, ये चीज आपको बतानी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। इसका सॉल्यूशन होगा, देखिए स्टूडेंट्स, कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने एक स्पेशल नोट बनाया हुआ है। पहले आप इसे देख लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए नोट क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने कि टू इंपॉर्टेंट नोट। तो उसमें पहला नोट क्या है कि इफ द रिक्वायर्ड नंबर, इफ द रिक्वायर्ड नंबर डिवाइड द गिवन नंबर्स, कि अगर जो रिक्वायर्ड नंबर है जिसे आपको पता करना है वो अगर गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है, देन फॉर फाइंडिंग द रिक्वायर्ड नंबर, तो रिक्वायर्ड नंबर पता करने के लिए आपको करना क्या होता है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स। कि आपको जो गिवन नंबर दिए हुए हैं उसका क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। और दूसरा हिंट क्या है कि इफ द रिक्वायर्ड नंबर इज डिविजिबल ऑब्लिक डिवाइडेड बाई, देखिए यहां पर क्या हो रहा था, रिक्वायर्ड नंबर गिवन नंबर्स को डिवाइड कर रहा था, और यहां पर क्या हो रहा है कि इफ द रिक्वायर्ड नंबर इज डिविजिबल और डिवाइडेड बाई, यानी कि यहां पर जो रिक्वायर्ड नंबर है वो खुद डिवाइड हो रहा है बाय द गिवन नंबर्स। देन क्या करना है आपको, फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स फॉर फाइंडिंग द रिक्वायर्ड नंबर्स। तब आपको रिक्वायर्ड नंबर को पता करने के लिए गिवन नंबर्स का क्या निकालना पड़ेगा, आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन में क्या सिचुएशन है। देखिए यहाँ पर क्या था कि ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। कि एक स्वीट सेलर है, उसके पास ये काजू की बर्फी है और ये बादाम की बर्फी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि 420 काजू की बर्फी है और 130 क्या है, बादाम की बर्फी है, बादाम की बर्फी है। अब इन्हीं मिठाइयों को मिक्स करके इनका ढेर बनाना है या इनका बॉक्स बनाना है आपको। तो आप एक बात को समझिए, देखिए स्टूडेंट, कि यही मिठाइयां तो बटेंगी इन डिब्बों में, इन डिब्बों में यही मिठाइयां तो बटेंगी। और जब आप इन मिठाइयों को बांटेंगे और जब आप इन्हीं मिठाइयों को इन ढेरों में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जो ढेरों का नंबर होगा, मतलब जो आपको यहाँ पर स्टैक का नंबर होगा, वो क्या होगा, इनके नंबर से कम ही होगा। मतलब यही मिठाइयाँ आपको इन स्टैक्स में बांटनी है तो जो स्टैक्स का नंबर होगा वो इन मिठाइयों के नंबर से क्या होगा, कम होगा। अब आप एक चीज़ आप समझिए, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास चार लड्डू हैं और दो बर्फी हैं। क्या है मेरे पास, चार लड्डू हैं और दो बर्फी हैं। चार लड्डू और दो बर्फी को मुझे, मैं कितने लोगों में इसको बराबर बराबर बांट सकता हूँ। तो आप देखिए कि हम इसको क्या कर सकते हैं कि दो लोगों में, एक पर्सन ये हो गया और एक पर्सन ये हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कि पहले मैं क्या करूँगा कि देखिए, चार लड्डू को इन दोनों में बराबर बराबर बांटना है, तो दो लड्डू इसको मिल जाएगा और दो लड्डू इसको मिल जाएगा। फिर दो बर्फी को इन दोनों में बराबर बराबर बांटना है, तो एक बर्फी इसको मिल जाएगा और एक बर्फी इसको मिल जाएगा। यानी कि देखिए, आप ध्यान दीजिए कि चार लड्डू और दो बर्फी को हमको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो देखिए, इसके पास भी कितनी, तीन मिठाइयाँ हो गई टोटल मिठाई दोनों मिला के, और इसके पास भी कितनी मिठाई हो गई, तीन। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं इन दोनों में, हुआ ना। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पर्सन आए कि जिनको हमने ये दोनों मिठाइयाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की, वो कितना आया, नंबर ऑफ पर्सन कितने आए, दो। यानी कि ये जो दो पर्सन है वो इनके अमाउंट के बराबर या इनसे कमी तो है। यानी कि हमारे पास चार लड्डू और दो बर्फी थी, इसको हमको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो नंबर ऑफ पर्सन कितने आए, दो आए। तो दो पर्सन क्या हुए,
इनके अमाउंट के बराबर ही है या इनसे क्या है कम है। तो वही बात मैं यहाँ पर भी कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास 420 काजू की बर्फी और 130 बादाम की बर्फी है और मुझे इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब इसमें से भी कुछ मिठाई लेनी है और इसमें से भी कुछ मिठाई लेनी है और उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जो नंबर ऑफ स्टैक आएंगे या नंबर ऑफ डिब्बे आएंगे जिस डिब्बे में हम इनको सजा के रख रहे हैं वो इनके अमाउंट के बराबर या इनसे कम ही तो आएंगे। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या हुआ कि नंबर ऑफ पर्सन, इस वाले एग्जांपल में नंबर ऑफ पर्सन कितने आए, दो आए, तो दो जो होगा वो इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा और जो दो होगा वो इस बर्फी के अमाउंट को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा क्योंकि इन्हीं को तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो वही बात यहां पर भी हुई कि जब 420 बर्फी और 130 बादाम की सॉरी 420 काजू और 130 बादाम की बर्फी को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो नंबर ऑफ स्टैक होंगे वो इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और आपको यहां पर नंबर ऑफ स्टैक ही बताना है कि कितने स्टैक होंगे। तो देखिए हमारा जो हिंट था यहां पर जो रिक्वायर्ड नंबर है वो रिक्वायर्ड नंबर क्या है, नंबर ऑफ स्टैक। तो यहां पर क्या होगा कि जो नंबर ऑफ स्टैक होगा ये नंबर ऑफ स्टैक होगा वो क्या करेगा, गिवन नंबर्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हुआ, जिस नंबर को हमको पता करना है वो स्टैक का नंबर हुआ और गिवन नंबर्स क्या हुए हमें, ये काजू की बर्फी और बादाम की बर्फी। तो जो हमारा पहला हिंट था क्या था कि इफ द रिक्वायर्ड नंबर डिवाइड द गिवन नंबर्स, कि अगर रिक्वायर्ड नंबर गिवन नंबर्स को डिवाइड करे तो रिक्वायर्ड फॉर फाइंडिंग द रिक्वायर्ड नंबर को पता करने के लिए क्या करते हैं, गिवन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो देखिए आपको पहले आप यहां पर क्या करेंगे, पहला काम करते हैं हम लोग कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टैक। ये हमको क्या पता करना है कि नंबर ऑफ स्टैक फाइंड करना है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ स्टैक विल डिवाइड द नंबर ऑफ स्वीट और ब्रैकेट में लिख दीजिए इट इंप्लाइज 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी। अब देखिए फॉर फाइंड यहां पर क्या करना है आपको, स्टैक का नंबर पता करना है और स्टैक का नंबर क्या करेगा, ये रिक्वायर्ड नंबर हुआ स्टैक का नंबर, वो क्या करेगा काजू की बर्फी को और बादाम की बर्फी का जो अमाउंट है जो नंबर है उसको क्या करेगा कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो यहां पर से हो जाएगा कि नंबर ऑफ स्टैक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी एफ ऑफ 420, 130। तो हम क्या करेंगे कि 420 और 130 का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स का एचसीएफ फाइंड करके देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट डिवीजन मेथड से हम इसका एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा आपका 420, ये डिविडेंड हो जाएगा और 130 छोटा है तो क्या हो जाएगा डिविजर हो जाएगा। तो 130 से जब आप 420 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स आएगा, 3 0 0 0, 3 3 9 हो गया, 3 1 3। आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 12 में से जो 9 लेस होगा तो ये आ जाएगा 3 और 3 में से 3 लेस हुआ 0। अब क्या करेंगे, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ मतलब यहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो जो डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते हैं आप क्या करेंगे कि ये हमारा नया डिविजर हो जाएगा और डिविडेंड क्या होगा प्रीवियस डिविजर, तो 130 हो जाएगा। अब 30 से जब आप 130 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 12, यानी 4 टाइम्स आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 4 0 0 0 और 4 3 कितना हो गया 12, ये 0 हो गया, 3 में से 2 लेस हुआ 1 और यहाँ आपका 0 बचेगा। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो अभी हमारा नया डिविजर हो जाएगा और यहाँ नया डिविडेंड क्या होगा जो प्रीवियस डिविजर है 30, तो 10 3 कितना हो जाएगा आपका 30, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो देखिए उस टाइम पे डिविजर क्या था जबकि रिमाइंडर 0 आया, तो रिमाइंडर 0 कब आया, जब 10 डिविजर था। तो यहाँ पर जो एच सी एफ होगा तो एच सी एफ ऑफ 420 एंड 130 कितना आ गया आपके पास 10, यानी कि ये हो गया आपका नंबर ऑफ स्टैक। अब ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ स्टैक कितना आ गया 10, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमें ऐसे कितने ढेर बनाने पड़ेंगे कि जिसमें ये वाली मिठाई और ये वाली मिठाई इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वो 10 ढेर बनाने पड़ेंगे, 10 स्टैक बनाने पड़ेंगे और 10 स्टैक में ये आपका कंप्लीटली क्या हो जाएगा मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दोनों मिठाइयाँ। अब प्रश्न ये उठता है स्टूडेंट्स कि एक स्टैक में, ये तो पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ स्टैक कितने होंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे 10 होंगे। अब हमें यह बताना है कि एक स्टैक में ये वाली मिठाई कितनी होगी और ये वाली मिठाई कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सिंपल सा तरीका है, यहां पर लिखेंगे हम लोग कि नंबर ऑफ काजू बर्फी
काजू बर्फी इन वन स्टैक, वन स्टैक, कि एक स्टैक में जो काजू की बर्फी होगी वो कितनी होगी। तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स कि 420 बर्फी को आपको 10 स्टैक में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमको पता चल गया ना नंबर ऑफ स्टैक कितने हैं, 10। तो हम क्या करेंगे कि 10 से अगर मैं 420 को डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि एक स्टैक में कितनी मिठाइयां हैं, 420। आप इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या क्या लिखा है आपने, नंबर ऑफ काजू बर्फी इन वन स्टैक कितना हो जाएगा, आप 420 को किससे डिवाइड कर दीजिए, 10 से। तो 10 से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 42 काजू बर्फी, काजू बर्फी, यानी कि एक स्टैक में ये जो एक ढेर होगा उसमें काजू की बर्फी कितनी होगी, 42। सिमिलरली नंबर ऑफ बादाम बर्फी बर्फी इन वन स्टैक, एक स्टैक में बादाम की बर्फी कितनी होगी, तो टोटल नंबर ऑफ बादाम बर्फी कितनी है, 130, और नंबर ऑफ स्टैक कितने हैं, 30। 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 13। ये हो जाएगा आपका बादाम बर्फी। अब आप इसको मैं चेक करके बताता हूँ आपको, देखिए यानी कि एक स्टैक में, इस स्टैक में देखिए आपका कितना आएगा, 42 तो आ जाएगा काजू की बर्फी, और आपका 13 आ जाएगा बादाम की बर्फी। अब अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो 2, 3 कितना हो गया, 5, 4, 1 कितना हो गया, 5, यानी कि एक ढेर में टोटल 55 मिठाइयाँ हैं, कितनी है, 55। तो ऐसे कितने ढेर हमारे पास, 10, तो उस 10 के 10 ढेर में टोटल नंबर ऑफ मिठाई कितनी हो जाएंगी, 5। देखिए एक में कितना है, 55 है, तो 10 में कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 550। और अगर आप इन दोनों मिठाइयों को ऐड करेंगे तो ये भी देखिए कितना आ जाएगा, 000 हो गया, 325 हो गया, और 41 कितना हो गया, 550। तो आ गया ना, देखिए आपका जो आपने चेक पे हमारा आंसर क्या है, सही है। तो देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से इन क्वेश्चंस को करते हैं। अगर आपको जो मैंने हिंट बताया, अगर उस हिंट की हेल्प से अगर आप किसी भी क्वेश्चन को करेंगे तो आप हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये तो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, अगर प्रैक्टिस के लिए आप आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल की बुक के बहुत सारे क्वेश्चन हैं वहाँ पर, और अगर आप इस ट्रिक का यूज करेंगे तो आप सारे क्वेश्चन को ईजिली कर देंगे। बस आप जज करिएगा कि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या कर रहे हैं, गिवन नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं या जो रिक्वायर्ड नंबर है वो खुद डिवाइड हो रहा है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक एग्जांपल ऐसा दूंगा कि जिसमें जो रिक्वायर्ड, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ स्टैक क्या था, नंबर ऑफ स्टैक रिक्वायर्ड नंबर था, तो नंबर ऑफ स्टैक क्या कर रहा था, गिवन नंबर्स को डिवाइड कर रहा था। लेकिन मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिसमें जो नंबर, मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, जैसे नंबर ऑफ स्टैक है, वो खुद डिवाइड होगा। तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा आपको, इनका एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो प्रॉपरली समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिल जाए। थैंक यू सो मच।